सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट एंग्री ओमैन। वी आर बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। तो क्या हाल है भाई सबके? तो दोस्तों, अगर आप ना ब्लू स्टैक 4 MSI 4 पे खेलते हो भाई, तो आपको एक बात पता होगी कि भाई आपका जो इमोट है ना, वो बार बार क्रैश हो जाता है बहुत ज्यादा ही। एंड भाई आपको बताया ना यार, कोई भी ओल्ड वाले वर्जन है 4 एंड जो MSI एंड ब्लू स्टैक के, भाई उस पर अच्छी सेंसी वगैरह होती है, इसलिए ज्यादातर बंदे जो है ना भाई ब्लू स्टैक 4 MSI 4 पे खेलना पसंद करते, मतलब कंपेयर टू भाई ब्लू स्टैक 5, क्योंकि भाई उनको जो है ना सेंसी अच्छी चाहिए भाई, गेम चाहे मतलब कैसा चले। तो आज की वीडियो में अगर आपका ना इम्यूलेटर है ना बहुत ज्यादा क्रैश वगैरह हो रहा है, तो आज की वीडियो में आपको ना ऐसा टूल मतलब ट्राई करने वाला हूं, जो कि भाई आप मतलब है ना बोल सकते हो कि ना एंटी क्रैश टूल है। इसको मैं ना अपने जो ब्लूस्टैक 4 का वर्जन है 4.280, इसको मैं टेस्ट करके देखा हूं, तो इस पे मेरे को तो एक बार भी मतलब क्रैश नहीं हुआ है। तो आज वीडियो में आपको पूरा इसके बारे में बताने वाला हूं, तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं आज की मजदूरी बिना किसी देरी के। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो है एक ऐसे मतलब है ना अमेजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ भाई, जिसका नाम है हिटपो वॉइस चेंजर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो रियल टाइम में जो है आपकी वॉइस चेंज हो जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हो इसके इंटरफेस में यहाँ पे क्लासिक में आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे वॉइस है। तो अगर आपको है ना कोई भी है ना मतलब है ना चूज करना है कोई एक साउंड, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ क्यूट वाला साउंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूट वाले साउंड पे जो है यहाँ पर अभी मेरी आवाज जो है आपको क्यूट आ रही होगी बहुत ही ज्यादा, जो कि आप बोल सकते हो जो राइस्टार वगैरह यूज करते हैं वैसी वाली आवाज। एंड यहाँ पर आपको समझ लो लड़की वाली आवाज चाहिए तो यहाँ पे लोलिता वॉइस करके एक है, तो यहाँ पर जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो सडनली जो है मतलब है ना आपकी जो है रियल टाइम में वॉइस यहाँ पे चेंज हो जाएगी। एंड यहाँ पर ये जो लेआउट है ना, यहाँ से आप इसकी जो वॉल्यूम वगैरह कम ज्यादा कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप खुद को जो ना सुन सकते हो आपकी वॉइस कैसी आ रही है। आपको अगर सुनना है तो यहाँ पे इसको ऑन कर लेना, एंड उसी के साथ में यहाँ पर आप एक ही बटन में इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। जैसे आप इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर अभी आप जो है अभी आवाज जो आ रही होगी वो मेरी है ना जो ओरिजिनल आवाज है वो आ रही होगी। तो इसको जैसे मैं यहाँ पे ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे वापस से लड़की की आवाज आ रही है। तो इसमें बहुत सारी जो है आपको देखने को मिल जाएंगे मतलब पैक्स वगैरह, एंड यहाँ पे AI वॉइस है, इसमें आपको है ना बोल सकते हो यहाँ पे फीमेल मेल न्यू वाइब हॉरर एनिमे पॉपुलर AI वॉइसेस ऐसे बहुत सारे आपको जो है वॉइसेस देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर से ट्राई करना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, बेसिकली ये ना एक zip फाइल है जो कि यहाँ पर एंटी क्रैश टूल की आपको इसका लिंक मिल जाएगा अपने कमेंट बॉक्स में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसका पासवर्ड है भाई 0, ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो इसका पासवर्ड यहाँ पे 0 मैंने रखा है, तो 0 डाल के इसको फटाफट से एक्सट्रैक्ट कर लो, अनजिप कर लो, एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा वाला फोल्डर आएगा, इसमें आपको मिल जाएगी भाई वो अपनी जो है इंस्टॉलेशन की फाइल जो है एंटी क्रैश टूल की। अभी मैं यहाँ पे बता दूँ, ये हमारे रेट 99 जो भाई है भाई, जो कि बहुत अच्छे वाली PC टिप्स एंड ट्रिक देते हैं, उन्होंने ये वाला जो है टूल बनाया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो ना एक .exe फाइल है, जो कि आपके ना जो रेडिट है ना भाई वहाँ पे एडिटर में जो है ना वहाँ पे ना इफेक्ट करती है ये सारी जो है ना वैल्यूज वगैरह जो होती है इसको रन करने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको ना ट्राई करना है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो। सबसे पहले यहाँ पे ना बैकग्राउंड से सारा मतलब ब्लू स्टैक वगैरह इसको क्लोज कर लेना, एंड देन यहाँ पर टास्क मैनेजर से भी देख सकते हो कि भाई क्या ही आपका जो ब्लू स्टैक इस पर चल नहीं रहना, तो यहाँ पर आप इसको अनलॉक कर लेना। तो यहाँ पे फटाफट से इसको कट कर लो। सबसे पहले तो यहाँ पे बैकअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लू स्टैक 4 का ऑप्शन आ जाएगा, एंड अगर आप ना MSI 4 यूज़ कर रहे हो तो नीचे वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे MSI 4.240 या फिर 280 यानी 4 वाला कोई भी वर्जन। तो यहाँ पर तो अभी बेसिकली मैं जो है ब्लू स्टैक का 4.280 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्लू स्टैक 4.240 पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। रिवर्ट करना है तो सेटिंग यहाँ पे रिवर्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे वापस से जो है सेटिंग जो रिवर्ट हो जाएगी। टेम फाइल वगैरह क्लियर करनी है तो यहाँ पे टेम का भी ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पर मैं इसको सिंपली ना ब्लू स्टैक 4.240 पे क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पर मैं आपको ना वापस से अपना जो इमुलेटर है इसको ओपन करके दिखा देता हूँ ये क्रैश होता है कि नहीं। दोस्तों, मेरा ये वाला जो वर्जन है 4.280, तो भाई इसके ऊपर तो मैंने इसको ट्राई करने के बाद एक बार भी क्रैश नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा लॉबी में है ना कभी कभी स्टकनेक्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन गेम में तो भाई एक बार भी मतलब स्टकनेक्स नहीं देखने को मिली। 90 FPS तो आ ही रहे थे तो, लेकिन है ना यहाँ पे लॉबी में आने के बाद पता नहीं क्या हो रहा था, शायद से कुछ है ना ग्लिच वगैरह हो सकता है, या फिर ये ओल्ड वर्जन पे शायद बोल सकते हो इस पे ना आपकी लॉबी वगैरह स्टक हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आगे आपको ना ट्रेनिंग ग्राउंड में भी जाके दिखाता हूँ, क्योंकि भाई जो वर्जन है ना वो क्रैश होते हैं ना भाई इम्यूलेटर, जब आप ना ट्रेनिंग ग्राउंड लगाते हो तो वहाँ पे आपका जो है ना क्रैश हो जाता है, मतलब उसके आगे मतलब सीधा डायरेक्टली आपका जो है इम्यूलेटर क्रैश ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ एंड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सच में जो है
जो ये जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब वर्क करता है कि नहीं। तो एक बार भाई सब लोग जाके रेट 99 भाई को भी यहाँ पे सपोर्ट कर देना भाई, क्योंकि अभी मैं उनसे कांटेक्ट में, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इससे भी अच्छा है ना एक वाला टूल वो जो है बना सकते हैं। तो अगर वो बना देंगे तो भाई उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा एंड आपको दे दूंगा, जो कि मतलब 100% वर्किंग हुआ। इसमें भी थोड़ा सा है ना बग्स है बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टूल कुछ नहीं करता है, आपके रजिस्ट्री में जाके आपके जो वैल्यूज होती है वो चेंज करेगा, आपके जो ब्लू स्टैक की कॉन्फिग होती जो वैल्यूज होती है वो सारी, ठीक है। तो कुछ मतलब ऐसा हैक वगैरह नहीं है, कोई बहुत सारे बंदे को यही लगता है कि भाई ऐसा कुछ टूल दे रहा हूँ तो भाई ये हैक ही है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रेनिंग में जाके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे चलेगा, क्या नहीं, क्रैश वगैरह होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो मतलब थोड़ा भी मतलब क्रैश वगैरह तो होगा ही नहीं। एंड मैं यहाँ पे लोन वुल्फ भी खेल मतलब देख चुका हूँ, इसको टेस्ट भी किया है मैंने, एंड उसी के साथ में सीएस रैंक भी मैंने लगाया था, बीआर रैंक भी लगाया था मैंने। एक बार भी मतलब इम्यूलेटर क्रैश नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा बोल सकते हो कि जो स्टकनेस जो आती है ना कभी कभी, बस वही वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो ये सारे ओल्ड वर्जन जो होते हैं ना भाई, उनके जो है ना ऐसे प्रॉब्लम आती ही रहता है। जब तक आप अपने पीसी को पूरा ऑप्टिमाइज नहीं करोगे ऐसा पूरा प्रॉब्लम आते ही रहेगा। जब ऑप्टिमाइज हो जाएगा अच्छे से एफपीएस आएगा तो आपको मतलब क्रैश भी नहीं होगा एंड आपका जो है ना स्टक भी नहीं होगा। तो ये वाला टूल एक बार ट्राई जरूर से करना। जस्ट मैंने आपको है ना, बहुत सारे बंदे मेरे को बोल रहे थे कि यार क्रैश हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये मतलब क्यों पता नहीं अभी ये वाले अपडेट के बाद। अभी नेक्स्ट अपडेट जो आएगा शायद से अपने सितंबर महीने में, तो जब से वो आएगा तो देखते भाई कोई अच्छी वाली है ना एपीके फाइल अगर आती है जो नॉर्मल फ्री फायर की तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये कैसे चलेगा, वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आप है ना एक बार ट्राई कर लेना एंड एक बार है ना जरूर से हिटपॉक को भी ट्राई कर लेना भाई। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो हिटपॉक को एंड एक बार है ना ट्राई जरूर से कर सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की मजदूरी पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।